नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो डायरेक्ट एंट्री होनी है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया था समाचार पत्रों में और साथ में बीएसएफ के वेबसाइट पे 25/2/2023 को, उसी से रिगार्डिंग बीएसएफ ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है। दोस्तों बहुत सारे आप लोग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इंतज़ार है कि एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से होगा, तो उसी से रिगार्डिंग दोस्तों ये नोटिस है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कि नोटिस में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखें दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि जो पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन है, बीएसएफ एग्ज़ाम 2023 होना है डायरेक्ट एंट्री के तहत, उसमें किस तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, फेज़ वन में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी रिटेन पहली बार में नहीं होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पहले लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि रिटेन पहले होता था, बाद में फिजिकल होता था, लेकिन अभी जिनका फिजिकल या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा वो डिसक्वालीफाई माने जाएंगे और उनको रिटेन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि पहले अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर लेनी है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी देख लेना है, ताकि जो है रिटन एग्जामिनेशन में आपको बैठने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि रिटन एग्जामिनेशन सेकंड फेज़ में होगा और इसके बाद फेज़ जो थ्री आता है दोस्तों, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड्समैन की भर्ती है। तो इस ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई अगर आप होते हैं या जो भी हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो ये सब प्रोसेस के बाद ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों बाकी चीज़ें अन्य जो हैं वो चेंज नहीं हुई है, ये जो एग्जामिनेशन है और ये चीज़ें हैं वो थोड़ी चेंज की गई हैं। उसके बाद दोस्तों जो वेबसाइट पर बताया गया है, नोटिस में जो दिया गया है वो बताया गया है यहाँ पर कि जो एग्जामिनेशन कब होना है। तो दोस्तों संभावित जो तिथि है वो फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन की पीएसटी और पीएटी यानी फिजिकल जो होना है वो मई के तीसरे सप्ताह में होना है, और उससे पहले आपको मई के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही गई है। हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये नोटिस में ऐसा ही कहा गया है। दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं वो तो नहीं बदली गई, यही सारी नोटिस में कही गई बातें हैं। कोई भी और भी कुछ अमेंडमेंट होगा जो भी होगा तो वो आपको पब्लिश किया जाएगा बीएसएफ के वेबसाइट पे, या वहाँ से कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा इस तरह से। तो दोस्तों ये जो था वो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था आपके लिए, जो आप में से कई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, जॉब अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।